नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते को क्या नाम दें? ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और क्या ये एक दूसरे के सहारे ही अपना एजेंडा चला रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को जब भी मक्कारी दिखाने का मौका मिला, जब भी प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिला, उसने कांग्रेस के नेताओं के बयानों का ही सहारा लिया और उसी एजेंडे पर चलते हुए पाकिस्तान भारत को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बदनाम करता रहा है। फिर चाहे मुद्दा धारा 370 का हो या फिर मुद्दा CAA और NRC का हो, और अब फिर से दोनों के सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, भारत में पेगासस के नाम पर हाय तौबा मचाने के बाद अब पाकिस्तान ने भी रोना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तानी सूचना मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान की भी जासूसी भारतीय सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से करवाई। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने सोमवार को दावा तक कर दिया कि एक नंबर जो PM इमरान खान ने कभी इस्तेमाल किया था वो भी रिपोर्टों के मुताबिक भारत की सूची में था। चौधरी का कहना है कि वो इस जासूसी के मुद्दे को आगे संबंधित मंचों पर जरूर उठाएंगे, यानी फिर से वही सियासी विलाप देखने को मिलेगा, फिर से अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जैसा कंगाल देश भारत पर सवाल उठाएगा। गौरतलब है कि कुछ प्रकाशनों द्वारा पब्लिश किए गए फोन टैपिंग के दावों का कोई सबूत नहीं मिल पाया है और चौधरी के पास भी टैपिंग को लेकर कोई सबूत नहीं है, फिर भी वो ऐसे चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं जैसे बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। उन्होंने ट्विटर पर भी इस तरह के अनर्गल आरोप लगा दिए जो कथित तौर पर विपक्ष भी लगा रहा है। कमाल है कि चौधरी ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा का ट्वीट भी रिट्वीट किया। बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैकड़ों नंबर की जासूसी की गई और इसमें एक नंबर इमरान खान से भी जुड़ा था जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो उसे नहीं चलाते। पहली बात तो ये कि फवाद के पोस्ट में खुद इस बात की स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर खान के नंबर की जासूसी हो पाई है या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाने के लिए इतनी जल्दी थी कि जनाब ये तक भूल गए कि अगर ऐसा हुआ है तो ये उनकी पार्टी और उनके देश की खुफिया एजेंसी की नाकामी का सबूत है। अब चौधरी को ये कौन समझाए कि जनाब घर शीशे के होंगे तो कपड़े भी बदलोगे तो पूरा जमाना देखेगा। खैर, पाकिस्तान ने आरोप बाद में लगाया है, इससे पहले रविवार को यह आरोप कांग्रेस ने लगाया। कुछ वामपंथी संस्थानों ने यह भी दावा किया था कि कुछ नेताओं की सबकी जासूसी पेगासस के जरिए करवाई गई थी। इसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता निकलकर सामने आए और इस मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भारत सरकार ने बयान जारी करके ऐसे किसी भी जासूसी के आरोप को नकारा है, साथ ही मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। एक बयान में कहा गया है कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है, इसमें न केवल तथ्यों की कमी है बल्कि पहले से ही नतीजे बता दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जांचकर्ता के अलावा अधिवक्ता और पीठ का भी अभिनय कर रहे हैं। आरोपों का कोई आधार नहीं है और ना ही ये सच से संबंधित है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बात वामपंथियों ने की, जो बात कांग्रेस ने की, उस बात का शिगुफा अब पाकिस्तान भी छेड़ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।